ओके, वी विल कंटिन्यू विद पाला किंग्स आफ्टर देवपाल. हमने देवपाल तक कर लिया था शायद, राइट? हमने देवपाल तक किया था या धर्मपाल तक किया था? ठीक है. ओके, सो वी विल डू विल कंटिन्यू विद पाला किंग्स आफ्टर देवपाल. तो जैसे वी हैव ऑलरेडी सीन, उसमें गोपाल था, धर्मपाल एंड देवपाल. सो देवपाल के अंडर में पाला डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ, दैट मींस द टॉप. तो ये जो हमने मैप देखा था पहले, ये भी नहीं, ये देवपाल के टाइम पे था, विच वॉज एट दैट टाइम इट वॉज एट इट्स पीक ऑफ ग्लोरी. फिर उसके बाद जस्ट लाइक ऑल अदर एम्पायर्स, ये पाला डायनेस्टी का भी पतन होना शुरू हुआ. एंड देन द किंग्स, पाला किंग्स आफ्टर देवपाल वर नॉट दैट इफेक्टिव. लेकिन इनके केस में, पाला डायनेस्टी के केस में एक नया ये आया, जैसे चालुक्यास के भी टाइम पे आया था और समवॉट चोलास के भी टाइम पर, जैसे कि वो पूरा नीचे आने के बाद किसी ने उसको फिर से रिवाइव किया. तो पाला डायनेस्टी में भी, पाला डायनेस्टी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे थी, लेकिन बाद में महिपाल करके एक किंग आया. तो आफ्टर गैप ऑफ अराउंड 100 इयर्स, 100 और 150 इयर्स, पाला डायनेस्टी रिवाइव्ड. ओके, तो किंग्स आफ्टर देवपाल, आफ्टर देवपाल द पावर एंड ग्लोरी ऑफ द पाला एम्पायर डिड नॉट लास्ट. द लेटर पाला एम्परर्स लाइक विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल टू एंड विग्रहपाल टू वर एज वीक एज एंड वर्थलेस. सो एज अ रिजल्ट अंडर देयर रूल द पाल एम्पायर वॉज फास्ट मूविंग टूवर्ड्स इट्स फॉल. सो आफ्टर देवपाल हिज नेफ्यू विग्रहपाल बिकेम द किंग एंड विग्रहपाल वॉज द सन ऑफ बागपाल, ब्रदर ऑफ देवपाल. आई थिंक वी हैड डन दिस ऑल्सो, बट नेवर नेवर माइंड, वी विल रिपीट इट. So, as Vigrapal was given more to the pursuit of religious activities than to administration of the country, there ensued looseness in the administration and ultimately Vigrapal abdicated his throne in favor of his son, Narayanpal, and gave himself fully to religious activities. So, kai kings rehte the jo religious leanings rakhte the, but wo apna rajpat bhi sambhalte the aur religious pursuits ko bhi mante the. या कोई बात नहीं, हम उसको कर लेते फिर से. ओके, जैसे अशोक था और चंद्रगुप्त मौर्य जो ने भी रिलीजन की फेवर में था, बट ही आल्सो फाइनली एब्डिकेटेड द थ्रोन एंड बिकेम एन एसेटिक, ही बिकेम अ जैन मॉन्क. अशोक के केस में वैसा नहीं था, अशोक ने अपना राजपाट भी संभाला और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी ध्यान दिया. सो वैसे देखा जाए तो कोई भी एक काम ठीक से हो सकता है, दोनों काम नहीं. बिकॉज इफ यू आर रियली इनटू स्पिरिचुअल थिंग्स, देन यू हैव टू लीव ऑल द मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ, क्योंकि जब तक तुम उसमें रहोगे तब तक तुम्हारी साधना पूरी नहीं हो सकती. सो लेकिन जैसे इसने किया, विग्रहपाल ने किया. ओके, देन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ देवपाल द राष्ट्रकूट एंड प्रतिहार किंग्स who came to invade Bengal were defeated, but during Narayanpal's rule, the Pala Empire had not the strength or the determination to ward off the attacks of those two powerful houses. ठीक है. So in the meantime, जैसे हमने ये किया कि इधर प्रतिहार डायनेस्टी पावरफुल होती जा रही थी और उधर चालुक्य डायनेस्टी के ruins पे राष्ट्रकूटाज आ गए थे साउथ में. तो साउथ तो पूरा उनके पेनिनसुलर इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ राष्ट्रकूटाज, और राष्ट्रकूटाज ने फिर नॉर्थ में भी अपना एम्पायर फैलाने की कोशिश की. सो दैट वाज ऑफ कोर्स एट द कॉस्ट ऑफ पाला एम्पायर. नाउ इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अमोघवर्ष इट इज मेंशन दैट अंग वंग एंड मगध एक्सेप्टेड हिज ओवरलॉर्डशिप. तो वंग मतलब बंगाल, तो ये वही एरिया है जो पालास के अंडर में था. सो फ्रॉम दिस इट मे बी इन्फर्ड दैट द पाला किंग वॉज डिफीटेड एट हिज हैंड्स. नाउ द प्रतिहार किंग भोज defeated Narayanpal
with the help of Kalachudis and Guhilat kings. Okay. Now the Pala kings who succeeded Narayan Pal, such as Rajyapal or Gopal, Vigrapal, etc., were very weak and worthless. Now taking advantage of which, a hill tribe known as Kambojas attacked the Pala dominions. The details of the Kamboja attack are to be found in the Dinajpur pillar inscription. Okay, now where from the Kambojas had to come is not known for certain. However, towards the end of the 10th century AD, the Pala Empire reached its lowest ebb. And the 9th Pala king, Mahipal, drove out the Kambojas and recovered some of the lost possessions of the Pala Empire. तो ये देखो 10th century के एंड तक पाला एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म होने की कागार पे था, लेकिन फिर जब महीपाल आया, ये एक नया किंग आया, इसने उसको पूरा ही रिवाइव द फॉर्च्यून्स ऑफ पाला डायनेस्टी. तो अब वैसे तो ये मेडिवल इंडिया में आता है महीपाल का रीन जो है, बट स्टिल हम उसका एक ब्रीफली देख लेते हैं ओवरव्यू कि महीपाल ने क्या किया था. इसको डिटेल में मेडिवल इंडिया के टाइम पे करना है. So the second and the revived Pala Empire. So under Mahipal I, the greatest achievement of Mahipal was the expulsion of Kambojas and the revival of Pala Empire. Now when he ascended the throne, Chandra dynasty was ruling in East Bengal and Sur dynasty was ruling in West Bengal. Now from his inscriptions found on the basis of Vishnu image discovered, Bhagavara and Ganesh image found at Narayanpur in Komila, it is known that Mahipal occupied East Bengal within 2-3 years of his accession. So the North and West Bengal also came under his possession. और जब हम बंगाल की बात करते हैं तो तुमको वो यूनाइटेड बंगाल इमेजिन करना है, जो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल है वो नहीं, यानी जिस उसमें तुमको बांग्लादेश भी इंक्लूड करना है. The North and West Bengal also came under his possession. So, अब तुम अगर बांग्लादेश और बंगाल का पूरा एरिया पकड़ते हो तो काफी बड़ा एरिया हो जाता है. So, among the Sur kings of West Bengal, the Adisur, famous in folk tales, is especially important. Now, on his accession to the throne, Mahipal conquered the whole of Magad. He also conquered Tirabhakti. तो अब देखो मगध यानी ये बिहार यूपी वाला एरिया भी आ गया उसके कंट्रोल में. So in short, he basically revived the fortunes of Pala dynasty. Now his empire extended from Varanasi and Mithila to East Bengal. So, okay. So Varanasi, you know where Varanasi is. It's almost on the border of UP and Bihar. So UP ke Purvanchal area mein aata hai wo. So वहाँ से लेके पूरा East Bengal, यानी present day Bangladesh, वो पूरा का पूरा area इसके control में था. Now Mahipal was a patron of Buddhism. Now in the 11th year of his reign, a large Buddhist temple was caused to be constructed by him at Nalanda. Some Buddhist temples were reconstructed by Mahipal's relations with Sthripal and Basantpal. During his reign, the architecture of Bengal took a new turn in style. Towards the end of the reign of Mahipal, Chedi king Gangadev attacked Mahipal's empire and conquered Tirabhakti. Now besides Rajendra Chola I, king of Chola kingdom of distant south, came through Orissa, entered Bengal and defeated Mahipal in 1023 AD. तो ये जो राजेंद्र चोला है इसको गंगाईकोंड चोला भी बोलते हैं, because he had extended Chola empire till गंगा, यानी गंगा कहाँ की, जो बंगाल साइड में फ्लो करती है. तो अब जैसे राष्ट्रकूटास वगैरह के बाद 10th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स चोला एम्पायर फिर से आ गया था. तो वो हमने जैसे मैंने पहले भी बात की, हमको उसके बारे में अब साउथ की हिस्ट्री मेडिवल इंडिया के सेक्शन में करनी है, रिवाइव चोला एम्पायर की और इवन रिवाइव पाला एम्पायर की भी. ओके, देन द प्रतिहार्स. तो प्रतिहार्स इधर साइड के थे, इनको गुर्जर प्रतिहार्स भी बोलते हैं, दे वर फ्रॉम गुजरात साइड, गुजरात राजस्थान साइड के थे. और द प्रतिहार्स आर आल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार्स प्रोबेबली बिकॉज़ दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुर्जराता ऑफ साउथ वेस्ट रीजन. गुजराता, तो साउथ वेस्ट रीजन का नाम गुजराता था और उसी से प्रेजेंट
डे गुजरात नाम आया है. द प्रतिहार्स आर बिलीव्ड टू बी द क्लैन ऑफ राजपूत्स. नाउ दे सेट फुट इन इंडिया ड्यूरिंग द हूंस हून इन्वेजन्स एंड सेटल्ड अराउंड पंजाब राजपूताना रीजन. सून दे एडवांस टू अरावली एंड उज्जैन. द ब्रांच ऑफ प्रतिहार्स हू रूल्ड इन गुजरात वर द गुर्जराज. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द प्रतिहार्स ट्रेस देयर ओरिजिन टू लक्ष्मणा द अनुज ऑफ राम हु एक्टेड एज रामाज डोरकीपर और द प्रतिहार. तो लक्ष्मण जो थे उसके ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते थे प्रतिहास. बट द फैक्ट व्हेन दंती दुर्गा द राष्ट्रकुटा किंग डिफीटेड द गुर्जरा किंग नागभट वन द लेटर वॉज मेड द प्रतिहार व्हाइल दंती दुर्गा परफॉर्म्ड द हिरण्यगर्भ देन सेरेमनी एट उज्जैन. तो अब इन जब दंती दुर्गा जो ये राष्ट्रकुटा किंग ने उनपे अटैक करके उनको हराया था तो उनको लिटरली डोरकीपर बना दिया उसके किंग को. वो अंदर अपना यज्ञ कर रहा था उज्जैन में और उसने बोला कि तुम लक्ष्मण के वंशज हो जो राम का डोरकीपर था तो तुम अब हमारे डोरकीपर बनो और उसको वहां पर गेट के बाहर खड़ा करके रखा प्रतिहार किंग को. फिर प्रतिहार फॉर्च्यून्स फिर से रिवाइव हुए. तो ये ऐसा चलता ही रहा हिस्ट्री में. सो दिस वॉज द एरिया वंस हेल्ड बाय गुर्जर प्रतिहार्स. ठीक है तो ये तब की बात है जब पाला डायनेस्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी टिल 10th सेंचुरी और इधर राष्ट्रकूटास ने अपना ये काफी बड़ा एक्सपेंशन किया था. नाउ एट दैट टाइम चोलास हैड रिवाइव्ड लेकिन वो एक छोटा किंगडम था. फिर उसके बाद 10th-12th सेंचुरी के आसपास चोला एम्पायर बहुत बड़ा बन गया था एंड चोला एम्पायर हैड रीच्ड ये देखो चोला एम्पायर जो था इसने यहाँ से कैप्चर करता हुआ ये बंगाल वगैरह का ये एरिया भी चोला एम्पायर में आ गया था. सो दिस चोला एम्पायर वॉज दिस बिग. ओके सो और वो जो राजेंद्र वन था जो चोला किंग जिसने ये सब किया था उसको गंगाई कोंड चोला पुत्रम भी बोलते थे गंगाई कोंड चोला पुत्र बिकॉज ही हैड कॉन्कर्ड ही हैड एक्सपेंडेड हिज एरिया टिल गंगा. सो दिस इज द गुर्जर प्रतिहार एम्पायर. पाला डायनेस्टी बहुत छोटी रह गई थी जब गुर्जर एक्सपेंशन हुआ था. उसका पालास का कुछ पार्ट गुर्जर ने खा लिया था और कुछ पार्ट राष्ट्रकूटास ने खा लिया था. नाउ किंग्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स तुमको ध्यान में रखने हैं. नाउ इन द 7th सेंचुरी द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी सेट अप इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन मालवा एंड राजपूताना. सून दे गेन्ड स्ट्रेंथ. Then Nagbhat I, one of their early kings, Nagbhat I won great reputation by defeating an army of Islam. तो जो first Islamic contact उस समय हुआ था उधर पाकिस्तान साइड में उन्होंने उस आर्मी को वहीं पे खदेड़ के भगा दिया. यानी जो ईरानियन एम्पायर इधर एक्सपेंड हो रहा था. सो तब तक इंडिया का इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ था. Then Nagbhat II, one of his successors, Nagbhat II defeated Dharmpal's nominee on the throne of Kannauj and made himself master of the realm. Then Bhojadeva was the most celebrated among the Pratihar kings. He is considered the greatest king of Pratihar dynasty. Okay, now he defeated the king of Bengal and brought the whole of North India with exception of Kashmir, Sindh and Magad under his control. Now he also defeated the Rashtrakuta ruler Krishna II. Now, his vast empire was full of riches. He was a great patron of temple architecture and built several temples. So, is Gurjar Pratihars ne fir jo Gupta Empire ke time pe jo temple activity shuru ki gayi thi, unki itni khas nahi thi, lekin inhone fir usko thoda revive kiya almost 300-400 saal ke baad. To jo Hinduism ka temple war culture hai, wo is inke rule ke onwards usko further push mila. Then Mahendrapal, no, he was, he's not from Pala king, he's, Mahendrapal is a Pratihar king. So under his successor, Mahendrapal, the Pratihar empire reached the highest point in respect of territorial extent. Now
his authority was acknowledged over the whole area from Kathiawad to Bengal. Yani dekha na humne jo map dekha from Kathiawad yani ye area Kathiawad hai. देखो गुजरात का ये पार्ट कथियावाड़ है, ये कच्छ, और ये पार्ट जो है ये सौराष्ट्र में आता है. तो ये कथियावाड़ से लेके बंगाल तक इतना बड़ा एरिया उसके कंट्रोल में था. इधर नॉर्थ में भी पूरा हिमालयाज तक. नाउ द डेथ ऑफ महेंद्रपाला ब्रॉट द प्रतिहार ग्लोरी टू एन एंड. देन Mahendrapal, Mahipal, successor of Mahendrapal. His successor, Mahipal, was defeated by the Rashtrakuta king Indra III. Decline and fall of Pratihars. So the Pratihar dynasty declined after the defeat of Mahipal in the hands of Rashtrakutas. Then, taking the advantage of the decline, the various vassals and feudatories under the imperial Pratihar rule began to rise in revolt. तो ऐसे ही होता है जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होनी शुरू होती है तो नए नए फ्यूडेटरीज जो रहते हैं वो अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं. नाउ द वीक प्रतिहार रूलर्स वर अनेबल टू ब्रिंग देम बैक इन सब्जुगेशन एंड वर फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज देयर इंडिपेंडेंस. देन राज्यपाल द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी एंड कन्नौज पास्ड इनटू मुस्लिम हैंड्स सून आफ्टरवर्ड्स. तो मोहम्मद गजनी का जो इन्वेजन हुआ था ये वो फर्स्ट मोहम्मद गजनी एंड देन मोहम्मद गोरी. तो एक्चुअली ये इंडिया में प्लंडरिंग रेड्स करने आते थे. ये दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग देयर एम्पायर. वो यहाँ सिर्फ लूटने के लिए आते थे. तो बेसिकली इन दोज डेज टेम्पल्स वर द रिपोजिटरीज ऑफ इनॉर्मस वेल्थ गोल्ड एक्सेट्रा. तो उनका मेन टारगेट्स टेम्पल रहते थे और मंदिरों में से सोना लूट के लेके जाते थे अपने एरिया में. उनको यहाँ पे रूल करने का कोई इंटेंशन नहीं था शुरुआत में. सो फर्स्ट रूल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, सो ही वाज ऑफ टर्किश ओरिजिन. द इम्पोर्टेंस ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. Of all the Rajput clans that ruled in India, the Gurjar Pratihar dynasty had the most dazzling record. Now the command of the Pratihars was obeyed from Punjab to central India and from Kathiawad to North Bengal. Now for three centuries, they stood as the bulwark of India's defense against Muslim invaders. Now they revived the dream of the political unification of India after the fall of Harsha's dynasty. Okay, now Gurjar Pratihar dynasty were the latest great imperial dynasty of North India prior to the Muslim occupation of the country. And the empire of the Pratihars was not only the largest in extent of territories, but also one of the best administered empires on record. The kings were not only great warriors, but also liberal patrons of art and literature. Okay, now Rajasekhar, the author of Kar Puran Manjari, lived in the court of Mahendra. Okay. So, ye ek best administered empire tha, and it stood the test of time. Yani, 3 centuries tak inhone Islamic invasions India mein nahi hone diye, lekin jab ye weak hona shuru hua, to uske baad Islamic invasions, which were anyways knocking Indian doors from that side, northwestern side, वो चालू हो गए. और फिर इंडिया में एक ऑलमोस्ट 700-800 साल तक इस्लामिक रूल रहा. देन द राष्ट्रकूटास. नाउ राष्ट्रकूटास बिल्ट एन एम्पायर विच इन द डेज ऑफ ग्रेटनेस एक्सटेंडेड फ्रॉम मालवा एंड गुजरात टू तंजोर इन साउथ, इफेक्टिवली कवरिंग होल ऑफ इंडिया. तो तुम देखो ऑलमोस्ट मालवा भी आ गया, यानी नॉर्थ इंडिया का भी कुछ पार्ट से लेके एकदम साउथ इंडिया तंजोर, और इधर बंगाल साइड भी और गुजरात राजस्थान वो सब था. सो बहुत बड़ा रूल था राष्ट्रकूटास का. एंड राष्ट्रकूटास जैसे थे वो एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो दे वर बेसिकली फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास. सो राष्ट्रकूटास हु इनहेरिटेड चालुक्यन एम्पायर एक्सटेंडेड इट फर्दर बाय पेनिट्रेटिंग इन डीप नॉर्थ एंड ऑक्यूपाइंग गैंजेटिक दोएब रीजन. नाउ सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट राष्ट्रकूटास गेव देयर नेम the country they ruled.
the name Maharashtra was derived from Rashtrakutas. So Rashtrakutas were of Kannada origin and Kannada language was their mother tongue. So Danti Durga was the founder of Rashtrakuta dynasty. Now the Rashtrakuta king Danti Varman or Danti Durga was contemporary of Chalukya king Pulakeshin II. लेकिन पुलाकेशिन टू को तो पल्लवा किंग ने हराया था और राष्ट्रकूटास तो बहुत छोटे ये थे और पुलाकेशिन टू का चालू काफी बड़ा एम्पायर था और इनके इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से उसने हर्षवर्धन को भी हराया था बट ही वाज किल्ड इन अ बैटल विद पल्लवास और दंती दुर्गा ने जब ये किंगडम ये स्थापित किया था डायनेस्टी तब उनका बहुत छोटे से पार्ट में रूल था दे वर बेसिकली फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास बट लेटर ऑन दे एक्सपेंडेड Now, Danti Durga is said to have conquered Kalinga, Koshala, Kachi, Srisril, and Malava. Now, he annexed Maharashtra to his kingdom by defeating Chalukya king Kirti Varman. ठीक है, तो इतना बड़ा initially इनका rule था, और फिर बाद में वो इधर भी expand हुआ था. And see the Kannauj thing. Kannauj was an important place. And everyone wanted Kannauj in their empire. तो ये 753 में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का है तो ऑलमोस्ट 250 साल के पीरियड का इसमें इतना बड़ा रूल था इससे भी बड़ा था इनफैक्ट Now see, this is the Kannauj triangle thing because हर किसी को कन्नौज के लिए बैटल था हमने जो पहले भी किया था ना कुछ यशोधर्मन था इंद्रयुद्ध और इनको इन्होंने स्थापित किया फिर उसको हटा के इसने लिया तो कन्नौज वॉज बेसिकली फॉट बाय एवरीवन सॉट बाय एवरीवन So he defeated the Gurjars and captured Malwa from them. Then he annexed Chalukya kingdom by defeating Kirtivarman too. Thus the Rashtrakutas became a paramount power in the Deccan. So Rashtrakutas claimed their descent from Satyaki, the associate of Lord Krishna. Now Rashtrakutas had their first capital at Latur. Yes, actually Latal Uru naam tha uska pehle. Abhi wo modern day Latur city jo Maharashtra mein hai. Now, which later they shifted to Manyakhet. Now, Rashtrakuta Emperor Vallabh Raja has been described by Arab writers to be one of the four great sovereigns of the world. Okay. Now, the other three being emperors of China, Khalifa of Baghdad, and Emperor of Constantinople, that is Istanbul. Yani, inke equivalent isko mana gaya Vallabh Raja ko. Itna bada इंडिपेंडेंट हो सकता है उस समय के जो अरब राइटर्स है उन्होंने इसके अलावा इंडिया के बारे में ज्यादा हिस्ट्री पता नहीं होगी वरना वो अशोक वगैरह को का भी नाम लेते नाउ द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर्स वाज गोविंद III एंड अमोघवर्ष सो अमोघवर्ष रूल फॉर 68 इयर्स नाउ ये इट इज अनप्रेसिडेंटेड इतना बड़ा रूल शायद ही किसी ने किया हो इंडिया में या पूरे दुनिया में तो 68 इयर्स का रूल कहीं 64 लिखा रहेगा कहीं 68 लिखा रहेगा सो इट वाज अ फिनोमिनल No, but by temperament, he preferred pursuit of religion and literature to war. So, ये भी एक literary monarch जैसा था और philosopher था. But point is कि उसके time पर already सारा राष्ट्रकूटा empire का expansion हो चुका था और उसने भी थोड़ा बहुत किया. And basically his leanings were towards philosophy and spiritualism, literature etc. He himself was an author and wrote Kavi Ram Rajmarg, the earliest Kannada book on poetics. The famous rock-cut temple of Shiva at Ellora was built by one of the Rashtrakuta kings, Krishna I, in 9th century AD. Okay, now the Rashtrakuta kings. So, Danti Durga was succeeded by his uncle, Krishna I. Now, he conquered the territories that were still under the Chalukyas and thereby completed conquest of Chalukyan territories. Now he also occupied Konkan
It is not known for certain the name of the country over which Krishna used to rule. Then Vishnu Vardhan of Vengi and the Ganga king of Mysore were defeated at the hands of Rashtrakuta king Krishnavan. The Kailash temple at Ellora was built by Rashtrakuta king Krishnavan. He was a great patron of art and architecture. Then Govinda II. So Krishna Raja's eventful career came to an end within a very short time, and he was succeeded by his son Govindraj, who ruled for some time as Govinda II. Now his worthlessness as a ruler and his lack of interest in administration led to his deposition by his brother Dhruv, who ascended the throne himself. Okay. Then Dhruv. So he ruled for a short span of time, but within this short time, he entered into struggle with Gujar Pratihar kings Vatsiraj and defeated him signally. Now, Dhruva and Amoghvarsha hi to hai jo, aur Govinda III. Inke period mein Rashtrakuta dynasty kaafi flourish hui. To, you know, ye Dhruva hi tha jisne गुर्जर किंग्स को भी हराया था और पाल किंग्स को भी हराया था. देखो धर्मपाल ही आल्सो लाइकवाइज डिफीटेड द पल्लवाज ऑफ कांची एंड पाला किंग धर्मपाल ऑफ बंगाल. अब तुमको पता ही है धर्मपाल कितना पावरफुल किंग था. अभी हमने किया था पाला डायनेस्टी में, तो उसको भी इसने हराया था और गुर्जर किंग वत्सराज को भी इसने हराया. सो ही इनिशियली बेसिकली स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी राष्ट्रकूटा एम्पायर. देन गोविंद III. Now, Dhruva was succeeded by Govinda III, his son, and with almost equal vigor as of his father. So he succeeded in keeping the Gurjar power sufficiently under control. Now he defeated the great Gurjar king Naghbhat II. It is said that the Pala king Dharampal and his protege Chakrayudh sought the help of Govinda III. Now Govinda III made the Rashtrakuta dynasty one of the most powerful dynasties of contemporary India. Okay. Now his kingdom spread up to the Vindhyas and Malwa in the north and to the river Tungabhadra in the south. Okay, so humne map to uska dekh hi liya tha. Then Amoghvarsh. So the greatest king of Rashtrakuta dynasty was Amoghvarsh I. As a warrior, he was, however, no match to his father Govinda III. But he succeeded in defeating the East Chalukyan kings. Then Amoghvarsh set up his new capital at Manyakhet, now present-day Manyakhed in Karnataka state. And during his reign, Baroch became the best port of his kingdom. Baroch yani ye present day Baroda hai. Nahi, Baroda ke thoda aage hai Baroch. Okay, Baroda is Vadodara. So Amoghvarsh I ruled for a long period of 64 years. Now he had lost control over Malwa and Gangavadi, yet his reign was popular for the cultural development. He was a follower of Jainism. Okay. So now since he embraced Jainism, so again Jainism jo wahan par thoda thanda pad gaya tha, it got a revival. Aur since isne bahut lambe samay tak rule kiya, to Jainism ko flourish hone mein acha samay mila. Aur wahi ek reason hai ki aaj ki bhi date mein Karnataka area mein bahut sare Jain temples bhi hai aur Jain population bhi hai. Now he was also patron of letters and he himself wrote the famous Kannada work Kavi Rajmarg. Now he had also built the Rashtrakuta capital, the city of Malkhed or Manyakheda. So Amoghvarsh I was the great patron of education and literature. From the evidence of the Jaina work, it is known that Amoghvarsh was converted into Jainism by Jinasena, a Jaina monk. Then Amoghvarsh spent the accumulated wealth of his predecessors to beautify the kingdom. Suleiman the Arab merchant, in his account, called Amoghvarsh I as one of the four greatest kings of the world, and other three being the Caliph of Baghdad, the King of Constantinople, and Emperor of China. So, khair, ye ek exaggeration hai. But nevertheless, he is. Kyunki kafi ek to lamba rule tha, plus uske alawa ye bhi tha, bada bhi tha empire. So he was succeeded by Krishna II. Iska koi khas contribution nahi tha.
Then Indra III. He was powerful king. He defeated and deposed the Mahipal. The Rashtrakuta king Amoghvarsha II, Govinda IV, and Amoghvarsha III were weak kings. फिर उसके बाद आया कृष्णा III. The last powerful and efficient king of Rashtrakuta was Krishna III. Now he had a prolonged struggle with Mahipal, the Gurjar king. He also succeeded in conquering Tanjore and Kanchi. Now in the middle of the 10th century, for a time he succeeded in defeating the Tamil kings of Chola kingdom. And but towards the end of the same century, the Rashtrakuta king Kaka was defeated and deposed by Taila or Tailapa, the Chalukya king of Kalyan. Now with Kaka's death, the Rashtrakuta power came to an end. और फिर उसके बाद अगर तुमको याद हो गया होगा तो देर वॉज अगेन अ चालुक्यन रिवाइवल. जैसे पालास का रिवाइवल हुआ तो चालुक्यास का रिवाइवल हुआ था और देवर कॉल्ड द चालुक्यास ऑफ कल्याणी. सो देर वर थ्री चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ बदामी, चालुक्यास ऑफ वेंगी और चालुक्यास ऑफ कल्याणी. तो ये चालुक्यास ऑफ कल्याणी जो है ये फिर अब इनका जो रूल आता है वो फिर मेडिवल इंडिया के पार्ट में करना होगा. ओके okay. Then society and economy. So the Hindu sects of Vaishnavism and Shaivism flourished during the period of Rashtrakutas. Yet they did not affect the progress of Jainism under the patronage of Rashtrakuta king and others and officers. Almost 1/3 of the population of the Deccan were Jains. So Jainism bhi kafi popularized ho gaya tha. Now there were some prosperous Buddhist settlements at place like Kanheri, Sholapur and Dharwad. There was harmony among various religions. Then there was a college at Salatogi, situated in modern Bijapur district. Now an inscription gives details of this educational center. Now it was run by the income from endowments made by the rich as well as by the villagers on occasions of functions and festivals. The economy was also in a flourishing condition. There was an active commerce between the Deccan and the Arabs. Now the Rashtrakuta kings promoted the Arab trade by maintaining friendship with them. Okay, तो Arabs के साथ इनके relations थे, जैसे उसके पहले के kingdoms के Roman Empire के साथ थे. Then art and architecture के field में Rashtrakutas were the great patron of art and architecture. अब Rashtrakutas के under में बने हुए कई temples आज की date में भी tourist attractions हैं. So they were great builders and